ओके wow. okay, ये पानी फेंक रहा है पीपल भाई लोग क्या हाल चाले क्या हाल चले सो गाइज आ चुके फिर से अब सर्वाइवल वर्ल्ड के में। अब गाइस फिर से आ चुके हम लोग आर्क जेनेस मॉडर्ड सर्वर पे एंड आज हम लोग का स्टैम करने वाले सबसे खतरनाक चीज यस गाइस यहां पे हम लोग सोच रहे हैं कि बॉस ही डैम करने वाले वो बॉस का नाम है गोडzilla यस गाइस आप लोगों ने बहुत ही पहले मूवी में देखा होंगे गोडzilla आज हम लोग वही टेम करने वाले आर्क में गोडzilla आर्क ये आर्क गोडzilla ऐसा कुछ नाम है सो गाइस फाइनली आज हम बहुत दिनों के बाद टेम करने वाला है गॉड जिला जो मैंने देखा था गाइस कल स्पॉन नहीं हो रहा था कुछ उसका सेटिंग करके सो गाइस फाइनली वो स्पॉन होने लगा है एंड आज हम लोग गोई टेम करने वाले हैं लेकिन गॉड जिला टेम करने से पहले आज हमको थोड़ा सा और भी चीज करना पड़ेगा जैसे कि जैसे कि हमको उसके साथ फाइट करना पड़ेगा ये फिलहाल अभी सर्वर पे दो स्पॉन हुए हैं और इससे पहले और एक स्पॉन हुआ था मैंने उसको मार के आया सो गाइस उसके लिए बहुत ही ज्यादा सामान चाहिए जो मैंने आपके मेरे पे थोड़ा बना बना के रखा है सो so, सबसे पहले गाइस हमको यहाँ पे चाहिए था रॉ प्राइम फिश मीट यूरोनियम डस्ट के साथ जिससे हम लोग बना पाए प्राइम फिश इरीडेटेड मतलब ये उसका फूड है सो so इसके बिना वो खा ही नहीं मतलब uh, नहीं खाएगा सो so हम लोग एक बनाते तो पांच 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 पाँच होता था मुझे नहीं पता एक से पाँच आता है सो so मैंने तो बहुत सारे गलती से बना लिए और फिलहाल मैं इसके अंदर से नहीं ले रहा हूँ so सो गाइज आप लोग और एक चीज़ देखो यहाँ पे जी सेल है सो so जी सेल हम लोग जब हम लोग जब कोई भी गौरजिला को मारते है तब हमको मिलते हैं जी सेल सो so, अभी हमको गौरजिला मारने जाना पड़ेगा नहीं तो हम लोग जो सैडल है वो सैडल नहीं बना पाएंगे सैडल के लिए हमको चाहिए होगा दस जी सेल एंड मेरे पास जी सेल नहीं है ज्यादा यहाँ पे एलिमेंट वगैरह आ चुका है मेरे पास एंड यहाँ पे हमको चाहिए था यूरेनियम फॉर्ज भाई जो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव था यूरेनियम फॉर्ज लेकिन कोई ना सो so, गाइस हमारे पास अभी यूरेनियम फॉर्ज भी इधर अरे यार ओके okay. सो so, सबसे पहले ओ भाई किबल कि नीडेड नहीं अभी फिलहाल और किबल भैया नहीं चाहिए मुझे ओके सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मैंने यूरनियम फॉर्ज इतना छोटा सा होता है नन्ना सा मुन्ना सा छोटा सा यूरेनियम फॉर्ज होता है एंड इसके अंदर आप लोग देखो आ, मैंने ऑलरेडी यूरेनियम इंगोड बना के रखा है और इसको बनाने के लिए क्या बताता हूँ हाँ इसको यूरोनियम इरुनी, इंगॉट बनाने के लिए आपको चाहिए होगा यूरेनियम डस्ट एंड ऑफसीडियन अभी मैं इसको टर्न ऑन कर देता हूँ एंड आप लोग यहाँ पे देखो यहाँ पे फोर्टी ऑन है अभी थोड़ी देर में ये बढ़ जाएगा क्योंकि जब तक आपके पास यूरोनियम डस्ट और ऑप्सीडियन ना हो ना तब तक ये यूरोनियम आप लोग यूरोनियम इंगॉट नहीं बना सकते सो तो ये बहुत ही मेन चीज़ है हमको यूरोनियम डस्ट चाहिए और ऑप्सीडियन अभी थोड़ी देर में हो जाना चाहिए

सो so, ये बनाने के बाद ये भी ज़्यादा ज़्यादा बनता है एक से एक ही नहीं बनता एंड इसके बाद आप लोग बना सकते हो एसिड और एसिड के ब्लैक पल तो हमारे पास बहुत सारे थे एंगल जेल तो हमको मिल ही जाएंगे एंड यहाँ पे उसके बाद हम लोग बना पाते बना सकते हैं यूरिनियम डस सो so, एक यूरनियम मतलब एक बनाने से हमको मिलता है आई थिंक uh, यार मैं भूल गया कितना मिलता है सो so, मुझे ठट्टी मिला था अभी देखते हो कितना मिलता है मैं भूल गया था सो so, ये भी इतना भी आ, मुश्किल नहीं ये सब बनाना और इसके लिए आप इजीली बना सकते हो बहुत ही एक्सपेंसिव इतना भी एक्सपेंसिव नहीं है लेकिन ठीक है सो so, यह एक सेठ दस बनता है एंड यहाँ पे न्यूक बॉम्ब ये सब फिलहाल हमको नहीं चाहिए न्यूक शेल न्यूक शेल भी थोड़ा एक्सपेंसिव है फिलहाल हम लोग इस पर ध्यान नहीं दे रहा है सो मेन हमको सैडल बनाना है और सैडल के लिए हमको जस्ट क्या चाहिए Uh, सेटल किया हमको चाहिए जी सेल और जी सेल के लिए हमको जाना पड़ेगा भी उसको साथ फाइट करने so guys, अभी सो गाइस अभी पे देख पास के करीब हमारे पास इंगॉट हो चुका है मेरे को इतना भी ज्यादा नहीं है फिलहाल मैं इतना काफी करता हूँ सो so, सबसे पहले गाइस हम लोगों को भी बॉस मारने जाना पड़ेगा येस yes. मतलब जिसको हम लोग टेम करने जाएंगे ना पहले उसको मारना पड़ेगा हमको और उसको मारने के लिए सबसे पहले हमको देखना पड़ेगा हम लोग क्या लेके जाए मेरे ख्याल से ये लेके जाऊ ये तो अच्छा नहीं होगा हाँ ये लेके एंड ओके चलो गाइज मैं फिलहाल इसको लेके जा रहा हूँ स्मोक को इस स्मोक आई थिंक वो उसके साथ आ, मतलब मारा मारी वो कर पाएगा मेरे ख्याल से एंड ये कहें ओके इसको इसका टेन मिलान हेलते एक आम घर था मैं इसको डायरेंट कर खिला देता हूँ पे मुझे हेल्प चाहिए होगा तो मैं इसको बुला लूंगा फटक से ओके तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट देख लेते कितना कितना लेवल का स्पॉन्आ है मैं एक बार देख लेता हूँ जरा ट्रांसमीटर में एंड फटक से भैया बता दो आ, uh, क्या था वो गॉड जिला ना गॉड ओके ये गॉड जिला ओके सो यहाँ पे देख थ्री हंड्रेड एक फिफ्टी लेवल है so uh, पता है किधर है लेकिन uh, मेरे ख्याल से वहाँ पर पथिक बाईक टेलीपोर्टर लगा था आई थिंक उस आर्टिफैक्ट के वहां पे फिफ्टी uh, सिक्स यानी इधर ओके okay, इधर ही होएगा ओके सो वहाँ पे आर्टिफैक्ट यार पानी में है शीट ओके पानी में है वो आर्टिफैक्ट हाँ मुझे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा और मेरा स्मोक वहाँ पे गाइस मर भी सकता है ऐसा कोई गारंटी नहीं कि वो बचेगा कि नहीं बचेगा उसको मारने के बाद हमको मिलेंगे जी सेल एंड वही जी सेल से हम लोग बना पाएंगे इसका सैडल तो सैडल के बिना वो बहुत ही खराब है एंड आई थिंक आपको इन गेम का साउंड नहीं आ रहा होगा मेरे ख्याल से क्योंकि मैंने बहुत ही बड़ा गलती कर दिया जस्ट मिनट गाइस मैंने गलती मैं अभी फिक्स करता हूँ मुझे इससे ओके प्लीज़ मेरा कमेंट ओके कमेंट काम कर दिया अगर इसे मुझे पता है यार आपको आर का साउंड अभी तक नहीं आ रहा था तो रिटर सॉरी आर का साउंड नहीं आ रहा था मुझे पता था आर का साउंड आ रहा होगा चलो अभी आएगा आर का साउंड क्योंकि पहले हम लोग बात ही तो कर रहे थे सो इधर होना चाहिए गौर जिला सो अभी मैं को स्मोक को बुलाता हूँ यहाँ पे स्मोक एर स्मोक ग... एंड ओके चलो गाइज हमारे स्मोक यहाँ पे आ चुके हैं एंड ये था सबके हम अम... अरे यार शिट 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 गाइज एक चीज़ मैंने ध्यान ही नहीं दिया मैंने इसको अपग्रेड ही नहीं किया स्मोक को अरे यार ये बहुत बड़ा दिक्कत हो गया चलो इसका जितने भी पॉइंट है ना मैं फिलहाल सब डैमेज में दे रहा हो इसको क्योंकि हम उसको फटक से मारना पड़ेगा गौर जिला को मुझे नहीं पता ओके गौड जिला का साउंड आ रहा है मुझे यस गौर जिला का साउंड आ रहा है मुझे ओके ए रहा गौड जिला इसका हेल्थ कम है ओ नहीं ये तो ऑरिजिनल नहीं है भाई ओके ये ऑरिजिनल नहीं है सो ये तू कौन है भाई ये कुछ पत्थर वाला आदमी है मुझे नहीं पता सो ये रहा गौड जिला और ये एक भाई वन थर्टी सिक्स की इसका हेल्थ है ओके नो भाई ओके एसिड इसने एसिड दिया ओ भाई एक शॉट में मर गया सीरियसली ओ माय गुडनेस एक शॉट में मर गया वो ओ भाई मैंने सोचा बहुत ही ज्यादा पावरफुल हो गया तो टट्टी है एंड मुझे यहाँ पे बहुत सारे जी फ्यूल मिले बहुत ही ज्यादा जी फ्यूल मिले भाई नाइस एंड भाई बहुत ही ज्यादा जी फ्यूल मिले यार ओके okay, मैं मर गया मैं मर गया मैं मर गया मैं मर गया नो 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 भाई रेडिएशन इफेक्ट नहीं 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 बेस 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 प्लीज़ मैं मर गया नो प्लीज प्लीज थोड़ा सा थोड़ा सा आ, नहीं भाई हम मर चुके इधर ओ oh. मुझे नहीं पता था भाई ये बहुत ही हार्ड है चलो वैसे तो हमको जी फ्यूल तो मिल चुका है भाई बहुत ही ज्यादा जी फ्यूल मिला हमको बहुत ही ज्यादा यार मैंने सीरियसली मैंने इतना तो नहीं सोचा था भाई मुझे इतना सारा जी फ्यूल मिलेंगे चलो बहुत बढ़िया अभी फटक से हम लोग हमारा जो सामने रिकवरी कर लेते हैं या ट्रिप कर लेते अरे भैया किधर होगा इधर थैंक यू सो so, अभी हमने स्मोक को बुला लेते हैं भाई इतने सारा तीन सौ जी फूल ओके नॉट बैड यार पथिक भाई को टेम करना होगा तो पथिक भाई को भी मैं दे दूंगा फिलहाल ओके ए, मिस्टर ओके इसके अंदर क्या चीज है मेरे को और भी देखना है इसके अंदर कुछ अच्छा चीज नहीं है लेकिन हमको बहुत ही ज्यादा जी फूल मिला यार ए लेकिन मैं पहली बार उसको मारा था तो मुझे चार या पाँच ही मिला था जी फ्यूल ये मुझे नहीं पता इतना सस्ता मतलब इतना कम जी फ्यूल कैसे मिला मेरे को सो so, ये रहा फाइनली हम लोग अभी बना पाएंगे हमारी एकदम खतरनाक वाले आर्मर ओ यस यहाँ पर आर्मर बनने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगेगा ओके नॉट बैड यार अभी आर्मर बनने में टाइम तो लगेगा इस तब तक के लिए हम इस पर यहाँ पे सामान रख देते हैं तो ओ यस ये रहा हमारा हाइप हर पी ये हमारा बेट रहा और ये हमारा मेल ओ ये हमारा ड्रैगन जो ओ भाई अरे शिट यार मैं सोच रहा था मेरा ड्रैगन किधर गया मैंने इसको सोल बॉल करके रखा था आ, लेकिन ये ड्रैगन को ना ऐसे घुमा के रखना पड़ेगा ये ऐसे रखना पड़ेगा और ओ भाई गुंडस ओ भाई सोल बॉल करते नहीं करना इनको सोल बॉल करेंगे तो इनका हेल्थ कम हो जाता है देखो गाइस मैंने सोल बॉल के इनका हेल्थ एक मिलियन से हो गया उन्नीस हजार ये बहुत खराब हो जाता है इनका हेल्थ मुझे नहीं पता क्यों अरे भैया नीचे उतारने दो क्या कर रहे यार ये लोग आ, नीचे उतारने दो नीचे भाई ओए मार पड़ेगा तुझे छोड़ मुझे आ, भाई छोड़ दे प्लीज भाई ये खतरनाक है चलो हम लोग नीचे तो उतर चुके हैं फिलहाल अभी देखते हैं सैडल बनने में कितना टाइम हमारे सैडल बन जाए प्लीज सो so, सैडल हम लोग वेट कर रहे हैं इधर एंड इसको मैं अनलॉक करके रखता हूँ पथिक बाइक ओ अनलॉक आई थिंक ये अनलॉक ही है मेरे ख्याल से हाई अनलॉक ये पथिक बाइक को चाहे तो पथिक ऐसे भी ले सकते हैं एंड ये अब इसका सैडल बन रहा है तब तक हम लोग देखते हैं और हम लोग क्या कर सकते हैं सो बेस और गाइज uh, आप लोगों ने मुझे पता आप लोग कॉमेंट करके बताते भाई आप बेस अपग्रेड क्यों नहीं करो क्योंकि गाइज देखो यहाँ पे हम लोग सबसे ओपी चीज ऑलरेडी कर चुके हैं एंड मैं सोचो इस, इस, इस सीरीज को धीरे धीरे खत्म की तरफ मतलब एंड की तरफ ले जाके प्राइवेलफेयर सीरीज भी स्टार्ट करते हैं हम लोग और प्राइमल फेयर में थोड़ा सा हार्वेस्टिंग का बहुत ही ज्यादा हम लोग मजे के हार्वेस्टिंग के साथ सो आप लोग देखना बहुत ही मजा आएगा हमारा भैया पेड़ होगा ओपी पेड़ एंड बुसेस अब जस्ट देखना यार ओके okay, फिलहाल ये मुझे पता है ये जो पता नहीं आपको अंतरस ये इसको पसंद क्यों नहीं यार वीडियो पे आप लोग व्यूज ही नहीं गए आप मुझे नहीं पता क्यों सो so, देखते फिलहाल क्या सीन है एंड आज हम लोग टाइम करने वाले गौर जिला ओके okay, अरे अभी तक नहीं बना अरे यार कितना टाइम लगेगा बनने में चलो फिलहाल मैं खाना ले लेता अरे यार खाना ले लेता तो हूँ मैं इसका खाना ये रहा इसका फूड इसके अलावा ये टेम होगा नहीं आप लोग जितना भी मेहनत कर लो इसके अलावा ये टाइम होगा नहीं एंड तो पेपर पेज मुझे होता क्या है एंड और क्या चीज है खतरनाक मेरे ख्याल से और कुछ नहीं यार टेम करने लायक और कुछ नहीं है क्योंकि हम लोग ने सब, के सब टेम ऑलरेडी कर चुके हैं जो सबसे पावरफुल चीज होता है देखते बाकी कभी देखेंगे धीरे धीरे क्योंकि फिलहाल एंड तो नहीं कर रहा हूँ अभी प्राइमल प्राइमल फेयर का सीरीज स्टार्ट करेंगे तो ये भी बीच बीच में चलेगा क्योंकि फिलहाल मैं इसको एड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि इसमें और भी दो तीन बहुत सार्बल चीज़ चीजें अभी भी जो हम लोग टेम नहीं किए जो वो भी टेम करेंगे सो तो अभी फिलहाल के लिए इतना ही मतलब इतना ही मैं वैसे तो देखता हूँ प्राइमल फेयर का सबक बनाने के लिए बहुत टाइम चाहिए होगा तब तक ये सीरीज मतलब ये भी सीरीज हमारा चलेगा प्राइमरी फेयर के साथ साथ एंड माइक्रट का भी सीरीज चलेगा बहुत सारे अभी तीन तीन सीरीज के ऊपर हम लोगों को काम करना है एंड देखते फिलहाल क्या होता है भैया बन गया क्या हमें जस्ट घुमा रहा बात है ओके okay, चलो फाइनली यहाँ पे सैडल तो बन चुका है बहुत ही नाइस मतलब बहुत बढ़िया एंड यहाँ पे हमको चाहिए नेक्स्ट पेज एंड इसके साथ ओके okay, नेक्स्ट पेज इधर ओके okay. गौर जिला को इससे उससे उसके इससे उससे हा मुझे पता है क्या करना है यहाँ पे न्यू इसको मार सकते हैं वैसे तो हम लोग ऐसे इसको मार सकते हैं लेकिन हमारा क्रैब का हेल्थ कितना होता है क्रैब का हेल्थ मुझे क्रैब का हेल्थ क्यों नहीं दिखा रहा है मुझे दो लाख हेल्थ इसका जस्ट बार देखने दो एक क्रैब का ओके दो लाख खेलते सो ओके सो हम लोग क्रैब लेके जाने वाले okay, गौर जिला के पास और उसका कोऑर्डिनेट मैं दिखना बोल गया तो कोऑर्डिनेट क्या था जस्ट मिनट मुझे जस्ट उसके बाद कोऑर्डिनेट चेक करने कोऑर्डिनेट उसका क्या है आ, यार मैंने उसका कोऑर्डिनेट नहीं देखा था बहुत दिक्कत थी मेरे को फटक से कॉर्डिनेट दिखना दिख करना पड़ेगा कोऑर्डिनेट गौर जिला ना सीओ डी ओके गौर जिला कोर्डिनेट है सेवेंटी एट फोर्टी थ्री से ओ अरे ये मैं भूल कैसे गया मैंने वहाँ पे जाकर टेलीपोटर लगा के आया था मैं गौरचिला देख के मैं ऑलरेडी जाकर टेलीपोटर लगा के आया था सेफ जगह पे जो भाई मैं फटाक से मैं टेलीपोट होता हूँ सो गाइस आप लोग सोच मुझे पता अब सोच है आप लोग सोच रहे हो गए भाई एक क्रैब लेके क्यों जा रहे हो क्रैब लेके आप क्यों जा रहे हो सो so, रुको बताता हूँ गाइस क्रैब लेके क्यों जा रहे हो इसका हेल्थ भी ज्यादा है एंड मैं इसके ऊपर से एरो भी शूट कर सकता हूँ सो मेरे लिए बहुत ही आसान होगा उसको नॉक कर पाना क्योंकि ये थोड़ा सा अरे यार मैं तो भूल गया मैं कैसे बचूंगा मैं तो मर जाऊंगा यार मैं कैसे भूल गया भाई मैं मतलब एसिड डैमेज तो मेरे ऊपर ही आएगा ना अरे यार मैं ऐसे कैसे भूल गया चलो कोई दिक्कत नहीं गाइस कोई दिक्कत नहीं ओके एसिड डैमेज इसके ऊपर आएगा लेकिन हे जस्ट एब्लिट ओके गाइस मैं ग्रिफिन भी यूज कर सकता हूँ मैं ग्रिफिन भी तो यूज़ कर सकता हूँ ना यस यार मैं ग्रिफिन भी यूज़ कर सकता हूँ रुको रुको ओ ओके मुझे मैं ऐसे कैसे भैया भूल गया मेरे पास ग्रिफिन भी है वो भी क्रिस्टल ग्रिफिन सो uh, so इसको नॉक करना मुझे नहीं पता कितना हार्ड होगा जस्ट मैं ट्राई कर रहा हूं ओके ऑल शॉर्ट ओके एसिड ना लगे मेरे ऊपर एसिड ना लगे ओके okay, uh, भाई इसका टॉर पर क्यों नहीं जा रहे ओ माय गुडनेस इसका फोर पॉइंट ट्वेंटी मिलियन टॉर पर मजाक के ब्रो ओ माय गुडनेस में गई हो मैं गई हो फोर पॉइंट ट्वेंटी मिलियन टॉल पर है तो मेरे पास आ, कौन सा एरो लेस डेडली ये कौन सा नाइन के ये फोर्टी के इधर रखो फोर्टी के को एंड ये क्या है वन के नहीं चाहिए ये डेडली नहीं चाहिए ब्रो ये क्या है फिफ्टी के ओके फिफ्टी के मैं यूज़ कर रहा हूँ इधर फिफ्टी के तो देखता फिफ्टी के का क्या सीन अरे यार चलो फिफ्टी के का मेरे पास ट्रैंक एरो भी है सो हाँ ये सही है ये सही है गाइस ये सही है फिफ्टी कैसे ओ माई गुडनेस बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है इसको नॉक करने में भाई नहीं 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 बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है बहुत ही ज़्यादा ये फोर हंड्रेड ट्वेंटी इसका टॉल पर है ओ माई गुडनेस मेरे को करोड़ों साल लगेंगे इसको नॉक करने में मेरे को लग रहा है अभी देखो यहाँ पे इस ये बोला यार मार के देखता तो देखते इसमें कितना टॉल पर आता है वन पॉइंट फोर एंड इसका एक शॉर्ट मारा मैंने ओके इससे भी ज़्यादा आ रहा है वैसे तो हाँ ये भी ज़्यादा आ रहे हैं फोर के लेकिन इससे आई थिंक ये भी ज़्यादा आ रहा है यार ये बहुत ही हार्ड है और ये हमारे फिफ्टी के का भाई फिफ्ट फिफ्ट रैंक यार हो तो इसका कितना जा रहे ओके मुझे भी नहीं पता कितना जा रहे है लेकिन यहाँ पे रुक रुक एक और मेरे को काउंट करने दो टू पॉइंट नाइन इसको एक शॉट मारा मैंने सो वन टू टू या कैसे ओके तो फिर गाइज़ मुझे फोर्टी के का मानना चाहिए था फोर्टी के क्योंकि फोर्टी के बहुत ही जल्दी हो रहे हैं और मुझे इसको भाई नॉक करने में बहुत टाइम लगेगा अरे भैया बहुत ही ज़्यादा टाइम लगने वाला है सो गाइस पता है आपको क्या करना पड़ेगा अभी गाइस तो यहाँ पे हम लोगों ने फाइनली उसको नॉक तो करके टेम भी कर लिया लेकिन हद से ज़्यादा टाइम लगा उसको नॉक करने में और टेम करने में हद से ज़्यादा एंड मेरा जितने भी सा, मतलब सामान था मैंने उसको सब का सब खिला दिया सो so, इसको मैंने खिला दिया अभी ये लोग आ, खा रहे हैं मुझे भी नहीं पता इसका, इसका इफेक्ट कितना देर तक रहेगा सो so, और इसके अंदर से मुझे यूरोनियम डस्ट मिला एंड यूरोनियम जी सेल अलाइव मुझे भी नहीं पता इससे क्या होता है एक्टिव गोर्जिला सेल मुझे नहीं पता है क्या है ओके okay, सो so मैं सो so मैं इसको रख रह रह रहा हूँ मेरे पास अभी फ़िलहाल के लिए एंड इस ये लेबल हुआ फोर हंड्रेड फिफ्टी एंड इसका डैमेज मुझे नहीं पता कितना होगा सो so, अब इसको बेस में लेके जाके पता पड़ेगा इसका क्या सीन होने वाला मैं फटक से इसको बेस बेच देता हूँ चाल तो बेस जा एंड उसको अरे मैं सैडल लेके आ क्या मेरे साथ ओके मैंने ओके गाइस इसका सैडल में लेके आया तो बेस में मैं कतने जाने वाला फिर मैं इसको इधर ही ट्राई कर रहा हूँ एक और जिला को चलो गाइस फाइनल यार बहुत ही ज़्यादा टाइम लगा आप लोग नहीं सोचोगे फाइव हंड्रेड इसका वो डैमेज अरे यार इस भाई इसका भी नहीं दिख रहा इतना बड़ा है ओ माई गुडनेस ओके डैमेज कितना तरा तीन हजार डैमेज भाई इतना तो मेहनत से टेम के ही बोलते तीन हजार डैमेज क्या मजाक है रॉक है रॉक क्या हाल भाई इतना मेहनत से टेम करने के बाद तीन हजार डैमेज ऐसा कतई नहीं चलेगा भाई ऐसा ऐसा ना ही भी हमरे साथ कतई मत करो यार प्लीज ओके भाई ये चल देखो इसका एसिड अटैक भी होता है रुको रुको एसिड अटैक ट्राई करते तो हैं एसिड अटैक देखो इसका एसिड अटक ट्राई करता हूँ मैं इधर पहले ग्लास बंद करता हूँ एंड इधर अबे यार ये देखो राइट क्लिक ओके ये एसिड अटक है ना हाँ गाइस देखो इनका एसिड अटक से क्या होता है इसको आई थिंक थ्री हंड्रेड सेकेंड के लिए एसिड अरे यार दिख भी नहीं रहा नाम इनका ओके थ्री हंड्रेड सेकेंड के लिए इन पर एसिड एसिड का जो रेडिएशन इफेक्ट आ जाता है फिर ऑटोमेटिकली ये मर जाता है यानी आप बच ही नहीं सकते इसके सामने एक बार आ गए तो एंड सी क्लिक से क्या होता है ओके wow. okay, ये पानी फेंक रहा है आई थिंक ये पानी फेंक रहा है ऐसा कुछ एक्स सी ओके ये पानी फेंक रहा है मेरे ख्याल से हाँ ah, यार ये लग रहा है मेरे को पानी फेंक रहा है यार भाई इसका सैडल देखो दो जनरेटर से बना हुआ सैडल एंड राइट क्लिक ओके राइट क्लिक से इसका एसिड आटा के एंड कंट्रोल एक्स आई थिंक लू वाइस कंट्रोल एक्स ना कंट्रोल एक्स नहीं कंट्रोल एक्स काम नहीं कर रहे इधर ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल तो मेरे को लग रहा है बाकी मुझे भी नहीं पता ओ तो इसका लेवल अभी आया तो फटक से ए भाई ये यूरेनियम डस्ट स्पॉन मतलब ये यूरेनियम डस्ट फॉर्म कर रहे हैं ऑटोमेटिकली ये तो बहुत ही बढ़िया हुआ है यूरिनियम डस्ट फॉर्म कर रही है ये रुको अभी इसका डैमेज चेक आता हूँ तो मैं लेकिन इसको यार मारने के लिए ना मुझे रुको रुको, रुको गाइस मैं इधर जाता हूँ जहाँ पे वाइब्रेन होता है ना वाइबरन के पास जाता हूँ क्योंकि उनसे भी लेवल भी मिलता है बहुत अच्छा खासा लेवल मुझे यार बहुत ही अच्छे अच्छे लेवल मिल जाते हैं जो वाइबर ट्रेंच में चलो मैं वाइबर ट्रेंच में जा रहा हूँ और पथिक भाई ने यहाँ पे ट्रैप बना के रखा है आई थिंक वो टिम करने के लिए वाबरन वगैरह चलो मैं सीधा जा रहा हूँ वहाँ पे वाइब्रेन ट्रेंच मेरे ख्याल से वहाँ पे वाइब्रेन होना चाहिए नहीं तो मेरे को भैया दिक्कत हो जाएगा एंड भाई ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मेरे को दिख रहा है अभी पूरा फुल लेवल आउट भी नहीं है जब फुल लेवल लेवलअप हो जाएगा ना तब देखना भैया क्या होता है सो so, मैं इसके अंदर आहत तो चुका हूँ मेरे को एक भी एक भी वाइब्रेंट क्यों नहीं दिख रहा है मुझे वो सब डर के गया क्या मेरी वजह से मैं जस्ट उसको करता हूँ ओके आई थिंक यहाँ पे कोई वाइब्रेंट मेरे को दिख तो नहीं रहा बाकी क्या ओह कैसे और एक चीज़ आप लोगों ने कॉमेंट करके बताया था कि भाई आप जो किसटलाइल्स पे प्राइमल फेयर का सी स्टार्ट करो किसलाइल्स पे प्राइमल फेयर खेलो सो so, ओके okay. ठीक है नेक्स्ट सीरीज में प्राइमल फेयर यहाँ पे होगा या स्कोरसार्थ गाइस मैं आपको दो मैप देता हूं स्कोर अर्थ या क्रिस्टलाइल्स आप लोग कमेंट करके बताओ प्राइमल फेयर कौन से आ, कौन से में होएगा स्कोर अर्थ एंड आ, स्कोर सार्थ एंड एंड क्रिस्टलाइल्स ओके ओके सो मुझे इप, इसको ऊपर जाना पड़ेगा मेरे ख्याल से हाँ इसको ऊपर जाने के लिए सबसे पहले अबे यार रुको रुको भाई इसको मैं करता हूँ यार इसको डायरों ट्रैक लाना पड़ेगा डायरों ट्रैक करके दर ट्रक डायमंडला था इसको एंड uh, इसको सोल बॉल कर लेते हैं मैं फटक से सोल बॉल ओके थैंक यू इसको सोल बॉल तो कर लिया अभी हमको पैट्रा चाहिए होगा ये क्या है हमारा ज्वाइन क्रैब ओए भाई मैं क्रैब हाँ मैं क्रैब तो लेके आया था ना मेरे अभी इसको पैट्रा डॉल से ट्राई करता हूँ मैं ओके पैट्रा मेरे को वाइब्रेंस ने भाई सीरियसली बता रहा हूँ मुझे वाइब्रेंस दिख ही नहीं रहा कहीं कही ना कहीं पे एक भाई ये तो हो ही नहीं सकता ओके हाँ दिख गया दिख गया दिख गया मुझे दिख गया दिख गया अभी दिख गया अभी मुझे दिखा चलो अभी मुझे को दिखा और पेट्रा को तेरे को जाने का टाइम आ गया जो फटक से जा बेस में गौर जिला को भी ट्राई करने का टाइम आ चुका है आ ये क्या है जो कराबे और एक गौर जिला भाई अभी हम लोग मजा करेंगे गौर जिला के साथ रुको एंड सबसे पहले मैं ओके फिलहाल इसको रख देता हूँ मैं ए ये क्या चीज है ओ भाई यहाँ पे एनर्जी ड्रिंक का बोतल है और इधर पे दो जनरेटर है ओके यहाँ पे कीबोर्ड भी है भाई धन तंतर ऐसा करके ओके नॉट बैड यार चलो इधर आई थिंक ये एम्बर वाला है ये से एम्बर क्रिस्टल वाइबर है एंड ओके मैं उसको रीच नहीं कर पाया हाँ भाई ये बहुत ही कम बहुत ही कम दिख रहा है मुझे वाइब्रेंस वगैरह मुझे नहीं पता क्यों यार बहुत ही कम है यार बहुत ही ज़्यादा कम है ओके okay, उसके एक फटका लगा भी वो आएगा मेरे पीछे गॉड oh मेरा मेरा गेम से मेरा गेम को क्या हो गया ओके okay, हाँ, नहीं पाएंगे तबाही मचाते फिर से जी फुल स्पॉन करवाया हाँ मुझे लग रहा है यूरिनियम डस्ट ये पैदा करता है अपने बॉडी में मतलब प्रोड्यूस करता है वही होगा यार

मतलब कोई भी बॉस का जिसका टॉर्पर तो भैया ऐसे मैं उड़ा दूंगा उसको मतलब कोई भी नॉर्मल हा बड़े चीज का यार बहुत सही चीज़ है ये भैया सबको नॉक कर पाता है यह इसमें बहुत ही ज़्यादा इसका मैं सोचूंगा बहुत पावरफुल है यार नॉक करने का पावर सबसे अनोखा पावर होता है यार उसमें यार बहुत ही एडवांटेज मिलता है इस मतलब जब आप कोई तो भी टॉर्पर वाले के साथ फाइट कर रहे हो आप उसको नॉक करके भैया फटक से उसको मार को और ख़त्म हो अभी देखते क्या सीन है इधर क्या है तू कौन है और फेन है hey, और फेन क्या ओ भाई मेडू साइज नहीं नहीं केम मार्डन केम मार्डन है hey, मिस्टर केम मार्डन क्या हाल चाल है यो ब्रो केम मार्डन अरे यहाँ पे बहुत सारे मकड़ी वगैरह है जो चमकता है आ, ये क्या चीज है गाइस ये देखो ये और सैंजल ओए मर जा तू अरे तोड़ दूंगा मैं तेरे को यार ओके okay, मेरे को कैक्टस से अब मिला मुझे नहीं पता किससे मिला लेकिन ठीक है ओ भाई मेरा गेम। भाई, इसका का मैं... लेकिन ये बहुत ही ज्यादा पावरफुल है यार इतना ज्यादा पावरफुल है ना मैं क्या ही बताऊँ देखो इसका डैमेज मैंने इसको फुल लेवल अप भी नहीं किया क्योंकि मेरे पास एक्सी पोशन नहीं है तो एक्सी पोशन के अलावा मैं इसको फुल लेवल अप भी नहीं कर सकता Normally, इसका तो है, फिर भी ओपी है मेरे ख्याल से बहुत ही ज्यादा ओपी है एंड ये फार्म भी कर रहा है फार्म ही कर रहा है। नहीं कर रहा है फार्म ओके इससे माना मिला मुझे हाँ यार बहुत ही ज्यादा पावरफुल है हमारे ये दिलाईया भाई ये क्या पावरफुल है और इसका एक ही वेरिएंट होता है भैया मज़ा आ गया इसको पकड़ के सिर्फ बता रहा हूँ बहुत ही लेकिन टाइम बहुत लगा इसको पकड़ने में टाइम बहुत लगा और कुछ नहीं भाई इसका फोर हंड्रेड टॉर पर है मैं जस्ट ये फिफ्टी के का यूज़ कर रहा था और आई थिंक पथिक भाई के पास नहीं होगा मेरे दुकान को फिफ्टी के का टॉर पर आया हो अभी जाते सीधा बेस में यार बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है यार मैंने आई थिंक सोचा भी नहीं था कि ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा कत बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है यार बहुत ज़्यादा चलो बेस आ चुके हम लोग यस भाई साहब ये हुआ ना बात गौरजिला भाई गौर जिला भाई बहुत ज़्यादा पावरफुल है यार मैं सीरियस से बता रहा हूँ कैसे मैं भी सोचा भी नहीं था ये इतना ज़्यादा पावरफुल है क्योंकि नॉक करने का पावर सबसे अलग बनाते हैं उसको और वो भी स्पेशल है एंड भैया और इस्पेशल है एंड मैं इसके अंदर रख रहा हूँ मैं इसके अंदर रख रहा हूँ ट्रैंक कह रहा हूँ पति भाई को चाहिए होगा तो मैं पचास के वाला सब रख रहा हूँ क्योंकि मुझे तो फिलहाल नीड नहीं है ये ये कौन सा है फिफ्टी वाला भी रखता हूँ मैं ओके uh, okay, मैं पचास बला इतना ही रखता हूँ क्योंकि मेरे पास फोर्टी रहना चाहिए मेरे अभी थोड़ा जरूरत पड़ता है सो यार आज के लिए वीडियो में इतना ही ये जो वीडियो तो आपको पसंद आया होगा पसंद है तो कृपा करके वीडियो को बड़े लाइक और चैनल पे नहीं आता चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत बोलासो का चलिए बाय मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप लोग वीडियो को ऐसे लाइक करो चैनल पे नहीं आ जाओ चैनल को सब्सक्राइब करना तो मत बुलासो का चलिए बाय टाटा मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड नेक्स्ट वीडियो में बाय गाइज एंड सी यू मिलेंगे जरूर नेक्स्ट एपिसोड में बाय गाइज